नमस्ते कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के बारे में। देखिए संपत्ति का विवाद के बारे में बहुत सारी कुंडलियां देखने के बाद एक्चुअली इट इज वेरी डिफिकल्ट कोई रूल्स को आप बना के आप फॉर्मेट बना के रख सको, लेकिन कुछ बातें आप इसमें कर सकते हैं। जैसे संपत्ति का ज्यादातर देखिए कोर्ट कचहरी में जब विवाद चलता वर्षों केसेस चलता और उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता। तो आज ये जो मैंने वीडियो बनाया है इसमें मैं प्रॉपर्टी के विवाद के बारे में आपको बताऊंगा। बेसिकली देखिए प्रॉपर्टी देने वाला ग्रह है मंगल है, मंगल का ही काम है आपको प्रॉपर्टी देने का। जब भी मंगल केंद्र में रुचक योग बनाता है, देखिए मेष राशि का हो या वृश्चिक राशि का हो या मकर राशि का हो तो रुचक योग बनता है, इंसान के पास बहुत प्रॉपर्टी होती है। बट ये प्रॉपर्टी कभी कभी देखिए विवाद में जाती है। आप ये प्रॉपर्टियों को किस तरह से कोर्ट कचहरी के केसेस में जाती है ये देखें। मैंने अधिकतर देखिए रुचक योग वालों के पास बहुत प्रॉपर्टी देखी है। लग्न में मंगल है उसके पास भी मैंने बहुत प्रॉपर्टी देखी है। ग्यारहवें स्थान में मंगल है ऐसे लोगों के पास भी मैंने बहुत संपत्ति का मतलब है देखिए जो प्रॉपर्टीज है उसका मतलब है देखिए कोर्ट कचहरी के बारे में बात कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के बारे में। प्रॉपर्टी देने वाला ग्रह मंगल है। अब मंगल लग्न में होगा तो इंसान अपनी ताकत से एनर्जी से वो प्रॉपर्टी जमा करता है, सेल्फ मेड होता है। अगर आपका मंगल ग्यारहवें स्थान में है कुंडली में तो वो भी बहुत सारा प्रॉपर्टीज आपको देगा, जरूर देगा। फोर्थ हाउस में मार्स अच्छा बात नहीं माना जाता, याद रखिएगा। फोर्थ हाउस का मार्स शांति का भंग करता है, मन के स्थान में है ये, दिल के स्थान में बहुत सारा चीज। देखिए आप जब कुंडली में एक चीज देख के प्रेडिक्ट करते हैं तो आप गलत हो जाते हैं। सो तीन चार चीजों से उसको कोरिलेट करने की कोशिश करें। मैंने ऐसे बहुत सारी कुंडलियां देखी है जिसमें सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कि देखिए मार्स की ताकत के हिसाब से कि अगर जो आपका घर अगर साउथ फेसिंग है, वास्तु के हिसाब से साउथ फेसिंग घर है अगर आपका, तो वो डेफिनेटली आज नहीं तो कल वो डिस्प्यूट में लाता है प्रॉपर्टी का। अगर आप अभी कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे घर साउथ फेसिंग नहीं है लेकिन हमारा जो मेन जो गेट है सोसाइटी का वही साउथ फेसिंग है, तो ऐसे सोसाइटी की मीटिंगों में मारामारी होती है, झगड़े होते हैं, विवाद होता है। तो ये ध्यान में रखें कि दक्षिणाभिमुख प्रॉपर्टी है वो भी प्रॉब्लम करता है साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी। साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी का सबसे और इजी तरीका है कि ये किसी फीमेल के नाम हो तो ज्यादा ट्रबल नहीं देता। साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी में अधिकतर फीमेल्स के हाथ में टाइटल हो तो प्रॉब्लम नहीं देता। तो साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी भी विवाद का मूल होती है, ऐसा मैंने बहुत जगह देखा है। कि आप देखें आगे से कभी कभी इसमें वाघमुखी और गौमुखी प्रॉपर्टी को भी समझे आप। मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाया है मेरा वास्तुशास्त्र का और एक वीडियो बनाया है साउथ फेसिंग हाउस का, उसको जरूर रिफर करिएगा, उसको जरूर चेक करिएगा अगर ये सब्जेक्ट में आप और डिटेल में जाना चाहते हैं। देखिए वाघमुखी घर होता है वो भी विवाद में डालता है, यानी कि आगे से बड़ा हो। आप घर में जब एंटर होते हो तो आपको बहुत ज्यादा बड़ा हॉल दिखाई देता है और पीछे बेडरूम या सब छोटी सी जगह में आ जाता है, आगे जाते हैं जब बढ़ते हैं आप आगे से, तो ये घर एकदम स्क्वायर या सेमी स्क्वायर टाइप का नहीं होगा, वो कट जाता है। ऐसा घर भी यानी कि आपके हाथ में कभी ट्राइंगल प्रॉपर्टी है, मतलब ये साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी हो, कट गई वाघमुखी हो, यानी कि यह वाघमुखी भी बोल सकते हैं आप, वाघमुखी प्रॉपर्टी हो, ऐसा ट्राइंगल होता है प्रॉपर्टी में कहीं भी आपके प्रॉपर्टीज को अगर आप ब्लैंक लैंड को देखते हैं या घर में ऐसा कॉर्नर होता है वो भी विवाद का मूड हो जाता है, जड़ हो जाती है। कोई भी लोग देखिए किसी भी शॉप पर बिजनेस करते हैं और ऐसा ट्राइंगल टाइप की शॉप होती है, 100% वहां बैठने वाले का सर्वनाश हो जाता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। भले चाहे आप यहाँ डोर कर लो, यहाँ डोर कर लो, यहाँ डोर कर लो, कहीं भी डोर करो अगर प्रॉपर्टी ट्राइंगल है यानी कि त्रिकोण प्रॉपर्टी है वो आज नहीं तो कल आपको बहुत बुरी तरह से फंसाती है, ये मेरा अनुभव। यानी कि आपका वारस नहीं रहने देगा, जीवन में नेगेटिव से भर जाएगा आप। मैंने अधिकतर देखिए प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट वाले कुंडली में मैंने बहुत सारी कुंडलियां देखी है। लग्न लॉर्ड अगर सिक्स हाउस में है, सबसे पहला आपकी प्रॉपर्टी कहाँ देखी जाती है, आप जो घर यहाँ देखा जाएगा, आप जो पैसा बचाते हैं वो यहाँ देखा जाएगा। आप ये दो चीज दो हाउस को हमेशा माइंड में रखिएगा, ये दो घर कभी नहीं भूले जा सकते। जो ये घर है वो ये है, आपके पास जो रोकड़ा पैसा है वो यहाँ है, कैश यहाँ है, बट यहाँ जो है ये आपका संपत्ति जो पैसा बचता है, व्यय का व्यय है जो पैसा बचता है वो ग्यारहवें स्थान में, ये कैश है या आपकी फिक्स डिपॉजिट है या प्रॉपर्टी है, FD है या प्रॉपर्टी है। ये हाउस का लॉर्ड और ये हाउस का लॉर्ड, यहाँ कोई भी गड़बड़ है तो आप समझ जाइए कि ये प्रॉब्लम करेगा। मैं इसको किस तरह से डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ आप देखें। लग्नेश अगर सिक्स हाउस में, ऐसा आदमी बिना कारण के विवाद में पड़ता है,
इसके ऊपर अगर कोर्ट कचहरी के केसेस नहीं है तो वेरी सरप्राइज। मैंने बहुत सारी कुंडलियां देखी है, अगर लग्न सिक्स हाउस में हो तो उस पर केसेस होता है। देखिए जैसे कि आज के जमाने में सप्तमेश अगर सिक्स हाउस में देखता हूं मैं, 90% डिवोर्स के केसेस में मैंने सेवेंथ और सिक्स में देखा है, या तो आदमी अनमैरिड रहता है जब सेवेंथ और सिक्स में हो तो वैसे ही लग्नेश अगर सिक्स में हो ऐसा आदमी फाइटर होता है। यानी कि कभी कभी नेताओं की कुंडली में भी मैं लग्नेश सिक्स में देखता हूँ, उनका रोज का काम, इवन डॉक्टरों की कुंडली में देखता हूँ, वकीलों की कुंडली में लग्नेश सिक्स में देखता हूँ कि उनका काम है सिर्फ लड़ना। लग्नेश सिक्स में हो ऐसा आदमी जल्दी एक्साइट हो जाता है, झगड़ पड़ता है और उसके जीवन में संपत्ति का विवाद आता ही है, आज नहीं तो कल। देखिए कुछ लोग बोलेंगे कि नो नो आई डोंट हैव नाउ, तो ये बात समझ लीजिएगा वो आदमी मरा नहीं तब तक आप उसका भविष्य कथन पूरा नहीं होता। यानी कि उसके जीवन में अगर वो होशियारी से रहता है, नहीं तो ऐसे वीडियो न देखने का मतलब है न बनाने का मतलब है। अगर आप अपने आप को जानते हैं लग्न सिक्स में है तो आप समझ जाए कि आप जीवन भर विवाद में आते रहे, तो विवादों से बचने के लिए आप पहले स्टेज पे उसको रिकग्नाइज करो और आगे ही मत बढ़ो, नहीं तो आप कोर्ट कचहरी के केसेस में जाएंगे तो फिर केस लड़ते रहो और ये केस ट्रबलस हो जाता है उनके लिए। सिक्स लॉर्ड इन द लग्न, अभी देखिए लग्न लॉर्ड छह में ऐसा आदमी तो खुद लड़ता है, बस षष्ठेश लग्न में है ऐसे आदमी से लोग लड़ते हैं, यानी कि उनके ऊपर बिना वजह का विवाद या केस डाल दिया जाता है। मैंने बहुत सारे केसेस में लग्न छह में देखा है या सिक्स लॉर्ड को लग्न में देखा है। ये हमेशा आदमी को संपत्ति के विवाद में, हमेशा कोर्ट कचहरी के विवाद झगड़े कोर्ट कचहरी में इसमें उसमें रखता है। इसका उपाय में जो भी आपका सिक्स लॉर्ड है या लग्न लॉर्ड है उसका हवन कराएं सिस्टमेटिकली किसी अच्छे ब्राह्मण के पास। लग्न सिक्स में है, सिक्स लॉर्ड लग्न में है, अगर ये परिवर्तन हो लग्न षष्ठेश परिवर्तन हो, ऐसे डॉक्टरों की कुंडलियों में मैंने देखा है सिक्स हाउस इसका एक्टिवेट हो, उनको रोग ऋण और शत्रु से डेफिनेटली फायदा मिलता है बट उनका जीवन विवाद से भरा रहता है। सो इसका उपाय में मैंने बोला ऐसा, कम से कम आप पहले उसको रिकग्नाइज करो, हवन कराओ, घर में पैट एनिमल रखो। अगर आप पैट एनिमल रखते हैं घर में, यानी कि डॉग है या कोई दूसरा एनिमल है, पैट एनिमल या बर्ड्स रखते हैं तो उससे, या टर्टल है या कुछ पैट एनिमल रखने से, घर में कोई भी पैट एनिमल रखने से षष्ठेश लग्न में हो या लग्न छह में हो उसमें कहीं ना कहीं बहुत हद तक आपको रिलीज मिलता है। अभी आप देखें आपका घर का मामला हो, जैसे कि आपने घर लिया हो, मेरा थर्ड पॉइंट है वो फोर्थ लॉर्ड इन द सिक्स हाउस। अभी फोर्थ लॉर्ड है, जैसे कि आपका कोई भी लग्न हो और उसका लॉर्ड अगर सिक्स में है, फोर्थ लॉर्ड इफ इट इज इन द सिक्स हाउस, तो घर और कर्ज करके बनता है। और कभी कभी देखिए अगर जो फोर्थ लॉर्ड सिक्स हाउस में है तो ये कोर्ट कचहरी के केसेस में लेके जाता है, क्योंकि छेवा घर है जो कोर्ट कचहरी का हाउस है। फोर्थ लॉर्ड अगर सिक्स में हो या सिक्स लॉर्ड फोर्थ हाउस में हो या ये परिवर्तन हो, अभी आप सोचेंगे कि लग्न षष्ठेश परिवर्तन है पॉजिटिव हो गया, नहीं पॉजिटिव होता। चतुर्थेश षष्ठेश अगर परिवर्तन हो गया तो वो पॉजिटिव नहीं होता। अगर सिक्स लॉर्ड लग्न में फोर्थ हाउस में आ गया तो भी ये प्रॉपर्टी का विवाद करवाएगा, ये घर का विवाद करवाएगा आप जिस हाउस में रहते हैं उसके लिए। बट अगर जो इलेवेंथ लॉर्ड थी, इलेवेंथ लॉर्ड इन द सिक्स हाउस, आपका इलेवेंथ लॉर्ड अगर सिक्स हाउस में है तो ऐसा लोग क्या करते हैं, ऐसे लोग मैं बताता हूँ आपको। इलेवेंथ लॉर्ड सिक्स हाउस में उसके पास एक घर होगा, फिर भी ये घर लेके बैठेगा वो, और एक घर लेके बैठेगा। और इलेवेंथ लॉर्ड अगर सिक्स हाउस में है, ग्यारहवें स्थान का स्वामी अगर छठवें स्थान में, या छठवें स्थान का स्वामी ग्यारहवें स्थान में, कहीं भी झगड़ा और प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी और झगड़े का संबंध आ गया। घर की बात मैं कर रहा था, अभी प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। ये एक्स्ट्रा घर मतलब ये तो यार देखिए चतुर्थ छह में ऐसे आदमी को प्रॉपर्टी के विवाद से दूर ही रहना चाहिए। इलेवेंथ लॉर्ड अगर सिक्स हाउस में है उनका भी यही रिजल्ट आता है। इलेवेंथ लॉर्ड सिक्स में मतलब पैसा जमा किया है वो प्रॉपर्टी में, आप भाड़े पे रेंट पे आप घर दे देते हैं किसी को, आप सोचते हैं कि लाख डेढ़ लाख दो लाख रुपया मिलता रहे और आप रीपेमेंट करते रहे इंटरेस्ट का, और इससे इस तरह से इनकम खड़ी करने की कोशिश करते हैं जो लोग, उसमें बहुत बड़ा धोखा खाते हैं। जैसे ऐसे मैंने बहुत नमूने देखे हैं, लॉर्ड ऑफ द इलेवेंथ अगर सिक्स में हो तो प्रॉपर्टी उसकी विवाद में जाती है, कोर्ट कचहरी के केसेस में जाती है, और सिक्स लॉर्ड अगर इलेवेंथ में आ जाए तो वो आपका जो रेंट, जिसको रेंट पर घर देते हैं वो खाली नहीं करेगा या आपको ट्रबल देता रहेगा, वो ये चीज़ है। अगर आपका लॉर्ड ऑफ द सेकेंड है वो अगर इलेवेंथ में हो, मैंने लॉर्ड ऑफ द सेकेंड इलेवेंथ में देखा है उनको फिक्स ये पैसा, ये इनका जो कैश है या तो जो पैसा हाथ में आता है वो अपनी प्रॉपर्टी से आता है। सेकेंड लॉर्ड अगर इलेवेंथ में, ऐसे लोगों के
पास बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, वो रेंट पर चलते रहती है, बट अगर जो आपका लॉर्ड ऑफ द फोर्थ सिक्स में है या सिक्स लॉर्ड फोर्थ में हो, इलेवेंथ लॉर्ड अगर सिक्स हाउस में हो, इन शॉर्ट कोई भी तरीके से आपका कोई भी लग्न लॉर्ड भी सिक्स में हो, सिक्स हाउस के साथ जहां कनेक्शन आता है वहां आपका संपत्ति का विवाद, आपके जीवन डिस्प्यूट से जीवन चलता है। सप्तमेश लग्न छह में हो तो मैंने बोला ऐसा विवाहित जीवन का भी सत्यानाश कर देता है सिक्स हाउस में हो तो। अभी आप देखिए कि जब भी फोर्थ लॉर्ड सिक्स हाउस में है या तो फोर्थ लॉर्ड के साथ जहां भी हो, फोर्थ लॉर्ड अगर सिक्स हाउस में हो, एट में हो या ट्वेल्थ में और उसके साथ राहु केतु, इलेवेंथ लॉर्ड कहीं भी हो उसके साथ राहु केतु, देखिए राहु केतु का काम है चीटिंग करना, भ्रम निर्माण करना, इल्यूजन निर्माण करना, फंसाना। अगर आपका फोर्थ लॉर्ड या इलेवेंथ लॉर्ड राहु केतु के साथ है, छह आठ बारह में है, तो समझ ही लो कि आपके साथ प्रॉपर्टी के मामले में, घर के मामले में इलेवेंथ लॉर्ड जैसे ट्वेल्थ में हो, राहु केतु के साथ हो, छह आठ बारह विवादास्पद जगह ही है। और पर्टिकुलरली इसमें भी अगर आपका फोर्थ लॉर्ड या इलेवेंथ लॉर्ड अगर मंगल है, यानी कि यहाँ एक लिखा हो या आठ लिखा हो, यहाँ एक लिखा हो या आठ लिखा हो, यानी मिथुन लग्न हो, लग्न में मंगल हो, तो भी प्रॉब्लम होता है। मैंने लिखा है देखिए जैमिनी का मंगल, ये मिथुन राशि का मार्स भी ऐसा है, कहीं भी हो ये प्रॉब्लम ही खड़ा करता है पर्टिकुलरली। और आपको मैंने जो बताया कि आपका जो अगर लॉर्ड ऑफ द फोर्थ है या लॉर्ड ऑफ द फोर्थ लॉर्ड अगर जो राहु केतु के साथ है, तो घर के मामले में आप इस चीज को अगर आपके चार्ट से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं लेने के लिए, लेने के पहले, सो ये बाद में का अकल चलाते कोई मतलब नहीं है। जब आपका फोर्थ लॉर्ड अगर सिक्स हाउस में है, लग्न में कहीं ना कहीं ये मंगल के साथ राहु केतु हो, मंगल के साथ देखिए मैंने एक लिखा है मार्स के साथ, मंगल माने प्रॉपर्टी और राहु केतु माने नेगेटिव, राहु माने नेगेटिव, केतु माने भी नेगेटिव है, मंगल के साथ अगर कुंडली में राहु हो कहीं भी आपके कुंडली, मंगल के साथ केतु हो कहीं भी कुंडली में, तो समझ जाइएगा कहीं ना कहीं आपकी संपत्ति, आपकी प्रॉपर्टी आज नहीं तो कल विवाद में पड़ेगी। पर्टिकुलरली छह आठ बारह में तो हो तो बहुत सावधान रहना चाहिए। मंगल केतु का युति, मंगल राहु का युति बहुत डेंजर माना जाता है। अभी इसके लिए मंगल राहु का युति हो आपके कुंडली में या आपका चतुर्थेश राहु ग्रस्त हो तो हनुमान जी की पूजा करने से फायदा होता है आपका। पर्टिकुलरली मंगल के साथ, पर्टिकुलरली मंगल के साथ राहु हो तो, अगर मंगल के साथ आपके कुंडली में केतु है और आपकी प्रॉपर्टी विवाद में गई है, आप झगड़े से परेशान है, कोर्ट कचहरी से परेशान है, तो आपको गणेश उपासना, देखिए गणेश उपासना से मंगल केतु की युति में बहुत लाभदायक होता है, और राहु मंगल की युति हो तभी हनुमान जी की साधना बहुत फलती है। जहाँ आपके लग्न में मंगल राहु हो, आपके सेवेंथ हाउस में मंगल राहु हो, तो हनुमान जी की साधना करने से आपको बहुत लाभ होगा। और ये प्रॉपर्टियाँ अगर फंसी हो तो ये सब इसका सिस्टमेटिकली आप किसी अच्छे ब्राह्मण से कराएं या आप खुद करें, आपको 100% मंगल राहु का मंगल के साथ, देखिए मंगल कहीं ना कहीं खराब नहीं होना चाहिए। जैसे मंगल ट्वेल्थ हाउस में हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने साउथ फेसिंग हाउस का बताया आपको, वाघमुखी हाउस का भी बताया कि घर वाघमुखी हो, जैसे गौमुखी घर हो जाए तो अच्छा होता है, बट वाघमुखी घर अच्छा नहीं होता। मार्स अगर आठवें स्थान में है मंगल यहाँ, या अगर यहाँ है, देखिए आठवें स्थान में मंगल, ये सौभाग्य स्थान है स्त्री का, और ये मंगल आठवें स्थान में हो प्रॉपर्टी का कारक है। अगर आपको कुंडली में किसी की भी देखना है कि इंसान में ताकत कितनी है, हिम्मत कितनी है, मंगल की स्टेट, मंगल की पोजीशन देखो, प्रॉपर्टी कितनी है उसके पास ये भी देखना है, मंगल की पॉजिटिवनेस देखना है, तो देखिए मंगल अगर चार आठ या बारह में, फोर एट या ट्वेल्थ में है, ये नुकसान कारक मंगल। ऐसे लोगों को जब भी प्रॉपर्टी लेते हैं, देखिए आपकी कुंडली में अगर लॉर्ड ऑफ द फोर्थ सिक्स में, सिक्स लॉर्ड फोर्थ में, लग्न लॉर्ड सिक्स में, ऐसे बहुत लोगों की मैं कुंडली आप देख चुका हूँ मंगल के साथ, जैसे मंगल के साथ केतु राहु नहीं होना चाहिए, ये सब बातें एक एक चार्ट में ये सब नहीं होता, बहुत सारे चार्ट में कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो ये चीज़ दिखाई देता है। अगर आपको ऐसा दिखाई देता है आपकी कुंडली में ये सब में से कोई चीज़ दिखाई देती, तो अंडर कंस्ट्रक्शन में वेरी फर्स्ट थिंग कभी प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन में लो मत, नंबर वन। दूसरी बात, आपकी प्रॉपर्टी कभी रेंट की लालच में दूसरों को दो मत। अगर मंगल के साथ केतु है, लग्न लॉर्ड सिक्स में, सिक्स लॉर्ड लग्न में, चतुर्थेश छह में, इस किसी भी तरीके से आपका लग्न का फोर्थ का या इलेवेंथ हाउस का लॉर्ड सिक्स में हो, या ये तीन हाउस का लॉर्ड, यानी कि सिक्स लॉर्ड, फोर्थ लॉर्ड, सिक्स लॉर्ड, ये सब इंटरचेंज हुआ हो लग्न के साथ, तभी आपको आपकी प्रॉपर्टी रेंट पर नहीं देनी। आपको बहुत केयरफुल रहना है। अगर आप देते हैं
तो आप फिर फंस जाएंगे कोर्ट कचहरी के केसेस में। और कोर्ट कचहरी के केसेस में फंसे हुए लोगों को मैंने देखा है, पेट एनिमल घर में रखने से 100% लाभ होता है। आप पेट एनिमल रख के देखो, स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाने से भी लाभ होता है। कुत्ता माने केतु, याद रखिएगा, जब केतु का जब नेगेटिविटी होता है तब ये लाभ ज़्यादा फलदायी होता है आपके लिए। एक और बात है कि जो मैंने बोला मंगल भूमि का कारक है, मंगल कहीं ना कहीं आपको सवाल के जवाब देगा। बेसिकली देखिए वन मोर थिंग, अगर आपका फोर्थ लॉर्ड, आप फिर से एक समझ लीजिएगा, या इलेवेंथ लॉर्ड राहु केतु या शनि के नक्षत्र में हो। देखिए केतु के नक्षत्र है अश्विनी मघा और मूल, आपका फोर्थ लॉर्ड या इलेवेंथ लॉर्ड या लग्न लॉर्ड केतु राहु या शनि के नक्षत्र में। राहु का नक्षत्र है आद्रा स्वाति और शततारा, शनि का नक्षत्र है पुष्य अनुराधा और उत्तराभाद्रा। इसको ये क्रॉस चेकिंग किया जाता है। अगर आपका फोर्थ लॉर्ड अगर सिक्स हाउस में, आप उसका नक्षत्र भी देखो, आपको पता चल जाएगा कि ये अश्विनी मघा मूल नक्षत्र में 100% आप ट्रबल में आने ही वाले। सो उसको उसी स्टेज पर फील करो कि आप मैटर को अगर आगे ले जाते हो तो और ट्रबल होगा। जिंदगी बहुत लंबी नहीं है, 205-5-6 हज़ार साल की नहीं है। कोर्ट कचहरी के मामले में जो अगर प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट में पड़ जाते हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा है, लग्न लॉर्ड सिक्स में हो, सिक्स लॉर्ड लग्न में हो, ऐसे बहुत लोगों को मैंने कोर्ट कचहरी में केसेस लड़ते पूरी जिंदगी गुजारते देखा है। वो तो बिना प्रॉपर्टी के भी विवाद कर लेंगे अगर लग्न षष्ठेश परिवर्तन है तो। जैसे षष्ठेश अगर आपके कर्मस्थान में हो, फॉर एग्जाम्पल ये आउट ऑफ द सब्जेक्ट है, षष्ठेश अगर आपके कर्मस्थान में हो तो आपको आपके काम धंधे पे से निकाल दिया जाता है, मतलब कल से मत आओ नौकरी में, अपमानित सुनना पड़ता है। वेन सिक्स लॉर्ड इज इन टेंथ हाउस, षष्ठेश अगर आपके कर्मस्थान में है तो आपको काम धंधे पर से नौकरी पर से रेस्टिगेट कर दिया जाता है। कर्मस्थान पर शनि देखता है, लग्न से शनि होता है लग्न में, और वो कर्मस्थान को देखता है, फोर्थ का शनि कर्मस्थान को देखता है, एट्थ हाउस का शनि कर्मस्थान को देखता है। ऐसे लोगों को भी जॉब से रेस्टिगेट कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, और फिर वो कोर्ट कचहरी के केसेस में पड़ जाते हैं। षष्ठेश दशम में, षष्ठेश दशम में हो, यू हैव टू वर्क विद द एनिमी, शत्रु के साथ काम करना पड़ता है। सो पहले से ही अगर आपको ये सब चीजें पता चल जाए आपके चार्ट के बारे में, देखिए लग्न में पापग्रह है तो ये शांति से जीने नहीं देता। लग्न में मंगल है वो आदमी को प्रॉपर्टी देगा देगा और देगा ही। आप किसी के भी लग्न में मंगल देख लो, बाकी सब छोड़ दो, समझो नीच राशि का मंगल है, कर्क राशि का तो बात अलग है, उस मंगल में ज्यादा ताकत नहीं मानी जाती। बट वो अगर जो कर्क राशि का मंगल लग्न में है तो देखिए वो योग कारक मंगल हो जाता है, लॉर्ड ऑफ द फिफ्थ एंड लॉर्ड ऑफ द टेंथ एक ही, जैसे कर्क लग्न के लिए मंगल योग कारक होता है, लग्न में कर्क लग्न वालों के भी मंगल होगा लग्न में, तो ये भी एक प्रकार से प्रॉपर्टी का तो देगा ही देगा, लेकिन कहीं ना कहीं मंगल का नीच राशि का हो जाना, कोई भी ग्रह का नीच राशि का कहीं भी हो जाना समस्या तो करता है। जैसे नीच राशि का दूसरे घरों में हो मंगल, तो वो भी सफिशियंट है आपको विवाद कराने के लिए, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट कराने के लिए। अगर जो आपने पहले से ये चीज़ आपके चार्ट में देख लिया हो तो आप इसको समझ सकते हैं कि अभी आप पहले से ही आपने देख लिया कि आपका कुंडली में पूरा कहीं ना कहीं से, देखिए हमारी कुंडली में 6, 8 और 12 का स्थान बड़ा डाउटफुल माना ही जाता है, और 6वां स्थान ये जो डिस्प्यूट है ये 6वें स्थान में। और अमीर आदमी है जो कोर्ट कचहरी जा सकता है, जिसका चतुर्थेश 6 में, तो वो कोर्ट कचहरी में कहाँ जाएगा, पहले से ही उसका घर का मामले में पैसा फंसा हुआ है। तो ये सब ध्यान में रख के आपको आपके जीवन में डिसीजन लेने चाहिए। आप जो अगर शौकीन है तो इस कुंडली को, इस जो मैंने अभी जो ये बनाया आपका चतुर्थेश या लाभेश, लॉर्ड ऑफ द 11th अगर जो राहु केतु या शनि के नक्षत्र में है तो प्रॉपर्टी फंसने के चांसेस है, लॉर्ड ऑफ द 4th अगर जो शनि के नक्षत्र में है तो भी फंस जाता है, और लग्न लॉर्ड भी इन 9 नक्षत्र में है तो ये फंसने की चांसेस ज़्यादा होता है। सो आपको बहुत जगह से वो चीज का कन्फर्मेशन मिलता है। आप सिर्फ एक ही, आप जनरली देखिए आप जो न्यू लर्नर्स हैं उन लोग कभी कभी एक ही चीज़ देख के प्रेडिक्ट कर जाते हैं। जैसे अभी 7th हाउस में राहु है तो धड़ाम से लोग बोल देते हैं कि आपका डिवोर्स होगा, ये वो, ऐसा डिवोर्स नहीं होता। आप फिर दूसरा भी देखो, सप्तमेश कहाँ है, गुरु अच्छी जगह है, तो फिर बेनिफिट मिल जाता है। बट ये विवादों से टलना है तो ज्योतिष का ये चीज़ फायदे का होता है। और ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है कि मैंने सचमुच में मैंने बहुत लोगों को देखा, अभी जहाँ आपके पास कुंडली आती है तो आपको उसका वास्तु नहीं दिखता है, लेकिन साउथ फेसिंग वास्तु भी आज नहीं तो कल कोर्ट कचहरी के केसेस में डालता ही है। साउथ फेस का वास्तु आपको उन लोगों को सूट होता है, जैसे फीमेल्स को सूट होता है साउथ फेस का वास्तु, फिर डॉक्टर्स को सूट होता है साउथ फेस का वास्तु, मेडिकल स्टोर को सूट होता है, फिर पर्टिकुलरली स्लॉटर हाउस हो या आप ऐसा होटल चलाते हैं जो नॉन वेज वाला होटल हो उनको भी साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी सूट होता है, बिल्डर्स को भी साउथ फेसिंग प्रॉपर्टीज है, साउथ फेसिंग के घर है,
साउथ फेसिस की ऑफिस है इनकी, ये सब उनको सूट होता है। जैसे केमिकल फैक्ट्री है, दो तीन भाई साथ में काम करते हैं, उनको साउथ फेसिंग प्रॉपर्टियां उनके पास होती है, बट ये आज नहीं तो कल फिर बाद में विवाद में लगती है, क्योंकि ये इनके जो एडजस्टमेंट इन्होंने की होती है ये इनके संतान नहीं करते, यानी कि वो फिर से विवाद में जाएगा। ऐसे लोगों को मंगल का, देखिए मंगल का जो धरणी गर्भ संबोधन विद्युत नाथी समप्रभम जो मंत्र है अपना वैदिक का, जो वैदिक मंत्र है अपना बहुत जुराना, वो मंत्र का अनुष्ठान करना है 7000 मंत्र का 7 दिन में, यानी कि आप 7 दिन में 7000 मंत्र करने हैं, वो अनुष्ठान करें, आपका कोर्ट कचहरी का केसिस अगर मंगल की वजह से है तो वो निपट जाएगा उससे। केतु के साथ है तो गणेश जी का अनुष्ठान करें, गणेश गायत्री अथवशी सहस्त्रनाम, गणेश सहस्त्रनाम करते रहो, आपको उनसे लाभ होगा। गणेश जी का हवन कराएं, वो गण होम कराएं घर में, अगर जो आपका प्रॉपर्टी का बहुत प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टी देने वाला ग्रह अगर आपके पास कुंडलियां नहीं है तो भी इस बात को देखें आप, किसी भी तरीके से जब बोलता है कि प्रॉपर्टी का विवाद तो सिक्स हाउस को देखो और मंगल को। ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है इस संपत्ति विवाद के बारे में, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक मार्क कीजिएगा, और जो लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।